जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और बिग अपडेट लेके आ चुका हूँ। एसएससी जो जीडी वो कांस्टेबल की 2023-24 का जो नोटिफिकेशन है वो फिलहाल आ चुका है। तो आइए उसके बारे में जानकारी करते हैं। और आपको बता दें, टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो लगभग टोटल पोस्ट की बात करें तो 26,146 वैकेंसी आए। तो इस वीडियो का मोटिव क्या रहा दोस्तों? तो वीडियो का मोटिव ये है, सबको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, सब चीज़ें पता है, लेकिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, कम मार्क्स में भी आपको पोस्ट अच्छी कैसे मिलेगी, तो वो मैं बताऊंगा। क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो पिछली कट ऑफ गई थी, फिजिकल की हो गई या फिर आपकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी, उसका स्टडी करने के बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो लगभग ये जो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट आई हुई है आपकी, तो उसको आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है और आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, नंबर भी अच्छे खासे आते हैं, मगर उनको मनपसंद पोस्ट नहीं मिल पाती है। तो इसका भी रीज़न है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको चीज़ें याद रखनी कि जो कोड है वो आपको पूरे भरने हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 प्रेफरेंस दे दें उसके बाद वो खाली कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैं कोड बताऊंगा, वो कोड पर ही आपको फॉर्म फिल करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जब आपके मार्क्स कमाएंगे तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कैसे मार्क्स कमाएंगे, जैसे मान लीजिए सीआई सबसे ज़्यादा फॉर्म, सबसे ज़्यादा फॉर्म किस पे भरे जाएंगे, आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म सीआईएसएफ में लोग भरते हैं। क्यों सीआईएसएफ में भरते हैं भाई? तो सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म इस वजह से कम भरते हैं क्योंकि इसमें जोखिम नहीं होता। जोखिम का मतलब इसमें ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना पड़ता है, जैसे नक्सली इलाके हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, यहाँ पर आपको जाना नहीं होता है। आपका वर्क क्या होता है, जो आपका वर्क होता है सीधे मेट्रो स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट जो हो गए, ठीक है, वहां पर आपको क्या किया जाता है, वहां पर आपको जैसे सुरक्षा के लिए आपको वहां पर तैनात किया जाता है। तो वहां पर सीआईएसएफ के लोग ज्यादातर, आजकल जो लोग हैं वो जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो ज्यादातर कैंडिडेट सीआईएसएफ की ओर रुख करते हैं। फिर उसके बाद जब लोग करते हैं तो वो सीआरपीएफ में ज्यादा वैकेंसी होती है आपकी, तो सीआरपीएफ में ज़्यादा वर्क होता है क्योंकि वहाँ पर नक्सली इलाके होते हैं, वहाँ भेजा जाता है आपको, पहाड़ों में आपको भेजा जाता है वर्क करने के लिए, ठीक है, और अलग अलग बॉर्डर सिक्योरिटी रीजन के अकॉर्डिंग भी आपको वहाँ पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर सीआरपीएफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा भी तो आती है किसमें, वैकेंसी भी तो ज़्यादा आपकी किसमें आती है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। तो लगभग सीआईएसएफ की जो वैकेंसी टोटल 11,025 वैकेंसी है, ठीक है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसी पे अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। क्यों, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आपको सीआरपीएफ में लगभग 3,337 यहाँ पर पोस्टें हैं, तो इसमें भी आपको फिल करना है। तो किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, पिछली कट ऑफ भी बताऊंगा, आने वाली जो चीज़ें हैं उसमें बताऊंगा, आईटीबीपी वगैरह आपको कैसे फिल करना है, किस प्रेफरेंस पे करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और इसी तरह के सरकारी जॉब रिजल्ट की अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल पोस्ट है वो 26,146 यहाँ पर निकली हुई है। मेल कैंडिडेट्स लगभग 23,347 पोस्ट यहाँ पर है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,799 पोस्ट है यहाँ पर। और किस पे कितनी वैकेंसी, तो सीआरपीएफ के लिए दोस्तों लगभग 3,337 है मेल एंड फीमेल, और उसके बाद बीएसएफ में लगभग 6,174 पोस्टें हैं, सीआईएसएफ में लगभग 11,025 पोस्ट हैं, एसएसबी में लगभग 635 पोस्ट है आपकी, आईटीबीपी में लगभग आपकी 3,189 पोस्ट है, एआर यानी असम राइफल्स में आपकी दोस्तों 1,490, एसएसएफ में आपकी लगभग 296 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट लगभग आपकी जो है वो 26,146 आई हुई है। और आपको बता दें कि जो अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट आप 24 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में कर सकते हैं। फी जो आपकी लगने वाली है, फी ज़्यादा नहीं है भाई, 100 रुपीज़ है, और अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जीरो रहेगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे जैसे दिव्यांग वगैरह हो गए तो उनके लिए जीरो फीस है। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ फीस है। लास्ट डेट फॉर फी, तो आप 1 जनवरी 2020 तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। जैसे आपको 31 का आपका फॉर्म भर गया, आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो आप 1 तारीख को भी पेमेंट कर सकते हैं, तो आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी और आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद करेक्शन डेट है, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, कोई फोटो गलत हो गई या फिर जो भी आपकी गलती हो गई, आपने कुछ गलत भर दिया, तो आप उसको करेक्शन डेट आपकी 4 से 6 जनवरी के बीच में आप उसको अपडेट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपका जो फॉर्म है आगे जब आपका मेडिकल या फिर आप फिजिकल के लिए जाएंगे या फिर आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज लिमिट वही 18 से 23 है दोस्तों, और एज रिलैक्सेशन वही ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का है, जो हमेशा रहता है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं
तो टेंथ पास आपको होना चाहिए। आपकी जो एग्जाम डेट है वही आपकी पता है 22 फरवरी से वही मार्च के बीच में 2024 तक चलना है। डेट ऑफ बर्थ जनरल कैंडिडेट के लिए 2/1/2001 से 1/6/2006 तक, ओबीसी के लिए वही 1998 से 2006 और एससीएसटी के लिए 1996 से 2006 तक ये आप कर सकते हैं। यानी यहाँ तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करनी है, कितनी कट ऑफ जाती है। जैसे मान लीजिए इसमें सीआईएसएफ की लगभग 130 से 140 के बीच गई थी, तो अगर मान लीजिए आपने आपने भरा है, आपने यहाँ पर पहले डाल दिया, आपने मान लीजिए आईटीबीपी भरा है और आपको चाहिए फर्स्ट में आईटीबीपी डाल दिया, सेकंड में ये डाल दिया, थर्ड में ये डाल दिया और आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो पहली की होगी, मान लीजिए आपके 130 मार्क्स हैं, मान लीजिए आपके 130 हैं और सीआईएसएफ में 130 आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा, मगर आपने ऊपर 1 आईटीबीपी भर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने आईटीबीपी भर रखा है तो आपको आईटीबीपी मिल जाएगा, सीआईएसएफ आपका नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी है। तो आपको एक काम ये करना है, मैं जिस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा आप उस अकॉर्डिंग करिएगा, अगर आपको सही लगे तो। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप जो मैं बताऊं वही करिए, ऐसा नहीं है, जो आपको सही लगे, बट मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपको फायदा होगा, क्योंकि कम नंबर में भी आपको मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी और अगर नंबर आपके अच्छे हैं तब तो फिर आपको बिल्कुल मिल ही जाएगी, फिर तो कुछ कहना ही नहीं, फिर तो आपके पास है कि आपको पोस्ट कौन सी लेनी है। लेकिन अगर कम मार्क्स में आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वही अगर सिलेबस की मैं दोस्तों आपको बात करूं तो वही सिलेबस आपका रहेगा, वही 80 नंबर का आपका 80 क्वेश्चन होंगे, 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 0.50 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है और उसके बाद 20 नंबर की भैया आपकी जीके रहेगी, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, उसके बाद 20 नंबर की आपकी मैथ्स रहेगी और आपका 20 नंबर में आपकी हिंदी या इंग्लिश। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी में देना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। तो टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, 160 मार्क का, 0.50 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आप देखिए लगभग 80 में लगभग स्कोर आपका वही मान के चलिए, अगर आप 60 से 65 लगभग अगर करते हैं तो बढ़िया स्कोर रहने वाला है एसएससी जीडी के लिए, और लगभग 130 से 140 के बीच में लगभग आपको बढ़िया यानी बढ़िया पोस्ट आपकी मनपसंद लगभग पोस्ट मिल जाती है। तो पोस्ट को आपको किस तरह से फिल करना है, ठीक है, और कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस करनी है जिससे आपको एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में जब आपका नंबर अच्छा आएगा तो आपको मन मुताबिक आपको वहां पर आपको पोस्ट मिल जाए। तो आइए और थोड़ा सा इसमें बता दें दोस्तों कि लगभग इसमें हाइट वही आपकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट वही 170 रहेगी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट वही रहने वाली है आपकी दोस्तों 157 से 160 के बीच में, और जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स हैं उनकी वही 165 मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए भी वही लगभग 160 के आसपास, वही 157 से 160 के बीच में लद्दाख रीजन की भी वही आपकी हाइट होनी चाहिए। रनिंग की मैं बात करूँ तो रनिंग आपको मैं बता दूं, लगभग जो मेल कैंडिडेट है उनकी 5 किलोमीटर रनिंग के लिए 24 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर रनिंग करनी है और उनको टाइम जो दिया जाएगा 8.5 आवर उनको वहां पर टाइम दिया जाना है। तो यानी ये आपका मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है आपको फिजिकल जब होगा तो वहां पर आपको लगभग इतना दौड़ना पड़ेगा, 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है और 24 मिनट टाइम मिलेगा, और फीमेल की बात करें तो 30 सेकंड में उनको ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस, तो पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपको बता दूं तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं पोस्ट प्रेफरेंस पे क्या करना है, तो कौन कौन सी पोस्ट आपको भरनी है और किस किस तरह से आपको करना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इसमें तो पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपको मैं सीरियस से बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको किस तरह से भरना है जिससे आपको उसको फायदा मिल जाए। तो पहले आप दोस्तों देखिए एसएसएफ, जो एसएसएफ है तो पहले आपको एसएसएफ डालना है, तो इसका जो कोड है वो एच होगा, फिर आपको सीआईएसएफ डालना है और इसका जो कोड होगा वो बी होगा, उसके बाद आपको आईटीबीपी डालना है जिसका कोड दोस्तों आपका ई होगा, और उसके बाद एसएसबी डालना है जिसका कोड डी होगा, उसके बाद आपको असम राइफल्स डालना है जिसका कोड आपका एफ होगा, फिर आपको बीएसएफ डालना है जिसका कोड दोस्तों आपका ए होगा, और उसके बाद आपको सीआरपीएफ डालना है जिसका कोड दोस्तों सी होगा। तो इस तरह से आपको लगभग 3, 2, 5, 2, 7 लगभग 7 पोस्टों पर वैकेंसी, और ये 7 पोस्टों पर मैंने आपको कोड बता दिए हैं कि इन इन कोडों को आपको इस तरह से अप्लाई करना है और कम मार्क्स में
और अगर आपके मार्क्स भी लगभग 2-3 नंबर कम है तो आपको लगभग जो आपकी मनचाही पोस्ट है वो भी मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद वही आपका आपको बात करेंगे आई के लिए मेडिकल में, तो वही आई आपको पता है बेटर आई 6x6 रहेगी, और आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है ऐसी जो आपका वो है तो उसके लिए आपको सीपी होना चाहिए, यानी वहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं होनी चाहिए। और कई सारी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही, उसके अलावा जो मेडिकल थी उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रही। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट अगर जहाँ से भी हैं आप, जैसे यूपी बिहार हरियाणा, ठीक है, ये ऐसे आपके स्टेट्स हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर कैंडिडेट्स इन्हीं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं और इसके इंतजार में रहते हैं कब वैकेंसीज आए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर यहाँ के हैं यूपी बिहार और हरियाणा साइड के हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और 80 में से लगभग आपको 70 क्वेश्चन लगभग आपको सही करने पड़ेंगे, लगभग 70 के बीच में आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे मनपसंद पोस्ट पाने के लिए। क्योंकि वैकेंसी आपको वही 26,000 वैकेंसी है, लगभग काफी वैकेंसी आने के चांसेस थे। अब 26,000 वैकेंसी दिया, इसका कोई रीजन पता नहीं चला है अभी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक वैकेंसी है आप लोगों के लिए। तो ये इस तरह से आप पोस्ट भरिए, और लगभग मैंने आपको डेटा बता दिया लगभग इससे रिलेटेड। कट ऑफ में दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, अभी आप स्क्रीन में कट ऑफ देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कट ऑफ स्क्रीन पे आपको दिख रही है, और इस तरह से आपको करना है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, यानी एसएससी ने जो भी इनकी भर्तियां हुई हैं जो 2022 यानी प्रीवियस ईयर का था कट ऑफ, तो उसको इसमें बताया। तो आइए देखते हैं, और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ रिवाइज्ड कट ऑफ ऑफ डिटेल फीमेल अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज फॉर एसएसएफ, यानी ये एसएसएफ का है जो ऑल इंडिया वैकेंसीज था, जिसमें आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन कितने पे हुआ है, देखिए 70 मार्क्स पे एससी का और एसटी का 74 पे, और ओबीसी का 77 और यूआर का वही 78.66 पे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, ये ऑल इंडिया का है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट में एनआईए, ठीक है, एसटी का 93.54, ठीक है, ईएसएम का, ईएसएम यानी एक्स सर्विस मैन का तो 80 फिलहाल, ठीक है, मान ही लीजिए क्योंकि इनका ऑलरेडी कमी होता है, और ओबीसी का लगभग 97, ठीक है, यूआर का 97, और एसएसएफ में अगर मैं बात करूं तो एससी का 84, एसएसएफ में एसटी का 81 और ईएसएम यानी 36, खैर इनका तो लो रहता है एक सर्विस मैन का, और एसएसएफ में ओबीसी का जो 88 रहेगा और एसएसएफ में यूआर का यानी जो जनरल कैटेगरी का 89 रहा है यहाँ पर, ठीक है। आइए आगे वाला देखते हैं, उसमें आपको बताते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स थी उनकी जो कट ऑफ थी। तो आइए अलग अलग स्टेट्स की मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये एरिया है यानी जो जनरल एरिया है, तो ये मैं सीधे आपको अलग अलग स्टेट की लेके चलता हूँ और उसके इसके थ्रू आप जल्दी से समझ पाएंगे। तो चलिए जैसे ये देख सकते हैं रिवाइज कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड, तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ बिहार में आपको दिखा दूँ, तो बिहार में लगभग वही बी का आप समझ सकते हैं बॉर्डर के लिए, तो बिहार में वही एस सी की 35 गई थी, एस टी की 46, ठीक है, तो वही बॉर्डर जो जनरल होता है बॉर्डर के लिए 35 बिहार में, एसटी के लिए 46 बॉर्डर के लिए बिहार, ठीक है, ओबीसी के लिए वही 33, यूआर कैटेगरी के लिए 42, ठीक है, तो ये बिहार की बात करते हैं, ठीक है। ये और अदर स्टेट्स का देखते हैं आपको, बिहार उत्तर प्रदेश का आपको दिखाते हैं फीमेल का है, तो उत्तर प्रदेश में फीमेल की बात करें अगर, तो फीमेल में वही एसटी का 52 पे हुआ था सिलेक्शन। ये दोस्तों आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ वही आप 5 नंबर आप बढ़ा के रखिएगा, फाइनल कट ऑफ में ना प्लस 5 या प्लस 6 क्वेश्चन मतलब बढ़ जाते हैं आपके मार्क्स के। उत्तर प्रदेश के बात करें तो ये बॉर्डर के लिए यूआर की 53 रही थी और एससी के लिए वही लगभग दोस्तों आपकी 59, और ठीक है। तो आइए उसके अलावा अलग अलग जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी देखते हैं, मेल कैंडिडेट्स पे कहाँ पे कितना था, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स का है, ठीक है, ये आंध्रा वगैरह के लिए है, ये आपका जो एन है ना, जो एन देख रहे हैं ये आपका नक्सल जो वाले होते हैं, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इनका वो यहाँ वहाँ पर इनके लिए होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं पूरी बात करूँ आज कट ऑफ फिर मेल कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ज़्यादा, जैसे हरियाणा, हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जीस यानी जो ग्राउंड पर होता है, ठीक है, ग्राउंड का मतलब आप समझ सकते हो जो जनरल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ यू आर के लिए 40, एस सी के लिए 51, एस टी के लिए 49 और एक्स सर्विस में 45 और ओबीसी के लिए लगभग 50, ये गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गुजरात में आप देख सकते हैं कितना कम कट ऑफ गया था। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ बिहार और उत्तर प्रदेश का दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पे
उधरी साइड के होंगे, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं इसमें से। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए जनरल के लिए बात करें अगर सीधे, तो पूरा मैं आपको कंबाइंड दिखा देता हूँ दोस्तों, जिसमें लगभग सभी सभी का रहेगा, यानी उसके बाद जनरल का भी रहेगा, बॉर्डर का भी रहेगा और नक्सल वाला भी रहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग है, यानी जनरल का अलग बनाया गया है और बॉर्डर का अलग बनाया गया है एक PDF, तो इसमें से आपको पूरा दिख जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर नक्सल प्रभावित की बात करें तो 51 SC के लिए, ठीक है, ST के लिए 60, ठीक है, उसके बाद OBC के लिए 67 और UR के लिए 66 रही है, ठीक है। ये आपका नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र वहां पर इतना रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो वही आप मान चलिए SC का वही 36 रहा है, SC का 36 और MP जो आपका ST का है तो 54 और मध्य प्रदेश का 62, यानी OBC का और UR का वही 54 रहा हुआ है, ठीक है, अनरिजर्व जो होती कैटेगरी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो गए। उसके लिए आपका जो बॉर्डर वाले क्षेत्र होगा तो उसमें बॉर्डर वाले क्षेत्र में आपको बिहार का दिखा दूँ तो बॉर्डर वाले में वही 36, ठीक है, मार्क्स की है ये कट ऑफ मार्क्स हैं, इतने इतने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि लगभग ये फाइनल नहीं थी, ये आपकी प्रीवियस ईयर की थी, और लगभग आप लोग इसमें इतना याद रखिए कि लगभग +5 क्वेश्चन, यानी लगभग आपसे 5 नंबर आपका लगभग बढ़ जाता है। तो इस तरह से कट ऑफ लगभग स्क्रीन पे आपने देख ली कि क्या क्या कट ऑफ आपको है, और कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको बता दूं तो लगभग इस बार का जो पेपर है, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, क्या था आपकी जो एग्जाम की शिफ्ट है वो आपकी क्या जाए मीडियम आ जाए या फिर इजी बहुत आ जाती है, तो आपके मार्क्स आपके 130 मार्क्स आ गए, तो आपको जो पोस्ट है वो कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, तो उसको आपको खुद ही आपके जो जितने मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप पोस्ट चूज भी कर सकते हैं, या फिर आपने जैसे डाल रखा होगा अगर इन पे आएगी तो इन पे, क्योंकि देखिए बात क्या है कि इन पोस्टों पे लोग कम अप्लाई करते हैं और इस पे जो कट ऑफ है वो भी कम जाती है, लेकिन CISF और CRPF और ये आपका BSF और SSF SSB इनके अलावा जितनी भी पोस्ट है इन पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी इनकी अपेक्षा कम रहती है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स यहीं पे अप्लाई करते हैं और जैसे अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग छूट रहती हैं, ठीक है। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद और जय भारत।